आज बात करनी है जी हमने सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के मुतालिक, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड की जो ट्रेनिंग है तफसील से वो मैं करवाना चाहता हूँ आपको, ताकि आपकी जो भी कन्फ्यूजन है, जिस चीज़ से भी आप कन्फ्यूज हो रहे हो, जिस चीज़ का आपको पता नहीं चल रहा, हालांकि कुछ मेरे दोस्त हैं जो लोग ये चीज़ें जानते भी हैं लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि उनको रिमाइंड किया जाए, उनको दोबारा बताया जाए, और वो लोग खुसन जो अपनी कंट्री में हैं, पाकिस्तान में या इंडिया में या नेपाल में बांग्लादेश में, तो उनके क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार कि हमको ऐसा एक ट्रेनिंग कोर्स दें जिससे हमारी मुकम्मल रहनुमाई हो। तो मैंने सोचा कि चलो आपको एक तफसील से कोर्स दिया जाए, हो सकता है ये एक वीक में मुकम्मल हो या दो वीक में मुकम्मल हो, क्योंकि मैं तफसील से आपके साथ बात करूंगा, जो भी क्वेश्चन सीरा सेंटर में आएंगे या जिस तरह आपका एग्ज़ाम होएगा उसकी फ़ीस कितनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, आप खुद कर सकते हो या नहीं कर सकते, आप किस कंपनी के थ्रू कर सकते हो, या आप प्राइवेट करना चाहते हो उसका तरीका क्या है, कंपनी के थ्रू करना चाहते हो उसका तरीका क्या है, या आप किसी कंपनी में आए हुए हो तो उसमें वो आपको सिरा करवाएंगे तो उसका तरीका क्या, उसकी फ़ीस कितनी है, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। तो ये तफसील से मैं सिक्योरिटी गार्ड के मुतलक ये ट्रेनिंग पूरी करवाऊंगा, इसमें मुझे लगता है कि एक वीक लग जाएगा, हो सकता है कम भी हो ज़्यादा भी हो, तो मैं कोशिश करूंगा हर वो इशू, हर वो जो पॉइंट है आपके साथ शेयर करूं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी जॉब के मुतलक, आपकी ट्रेनिंग के मुतलक और आपकी जो सिक्योरिटी की जो ड्यूटी है उसके मुतलक, किस तरह आपने ड्यूटी करनी है, उसका प्रोसीजर क्या है, कंपनी की पॉलिसी क्या होती है, क्योंकि एक सिरा की पॉलिसी होती है वो आपने फॉलो करनी करनी है, वो जनरली होती है, उसके बाद आती है कंपनी की पॉलिसी, जिस कंपनी में आप काम करोगे या आप काम कर रहे हो तो उसकी जो पॉलिसी है कंपनी की सिक्योरिटी की, उसको फॉलो करना भी आपके ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आपने उसको फॉलो करना होता है, अगर आप उसको फॉलो नहीं करोगे तो आपकी जॉब खतरे में है, आपको चाहे कंपनी निकाल भी सकती है, आपको वार्निंग लेटर भी दे सकती है, वट एवर कोई भी एक्शन लेना चाहे तो कंपनी के पास राइट होता है फ्रॉम गवर्नमेंट, वो आपके ऊपर कोई भी एक्शन जो लीगली है वो ले सकती है। आप ये नहीं कह सकते कि आप भी अभी सिक्योरिटी कंपनी में आए हो तो आप दो महीने के बाद या महीने के बाद छोड़ दो तो कंपनी इजीली आपको छोड़ देगी और आपके ऊपर कोई भी इस तरह का इशू नहीं होगा। ये बहुत ही ख़तरनाक खेल होता है, उसकी वजह ये है कि बहुत से मेरे दोस्त जो नए आते हैं, जो अपनी कंट्री से मसलन पाकिस्तान से इंडिया से आना चाहते हैं, जब उनको वीज़ा मिल जाता है कंपनी से लेके आती है उनको, तो फिर उनको आते ही टाइम कोई इस तरह का जुनून उनका जाग जाता है कि मैं तो गलत जगह में आ गया, मैं गलत कंपनी में आ गया हूँ, तो मुझे तो और जाना चाहिए था, मैं इसके लिए नहीं दुनिया में आया, या मैं तो मेरे तो हाफ कुछ और, तो मैं तो कुछ और ही करना चाहता हूँ। तो भाई आप पहले ये सोचें, जब आप किसी कंपनी से वीज़ा लेते हो उससे उस टाइम सोचो, या आप दुबई में आने से पहले सोचो, जब आपने कोई भी अपना फैसला कर लिया है कि आपने इस कंपनी में आना है और इसका काम ये है, वो आपको जब इंटरव्यू आपका करते हैं आपकी कंट्री में तो आपको तफसील से बताते हैं कि भाई हमारी कंपनी इस तरह की है, ये आपको पे मिलेगी, ये फैसिलिटी हम आपको देंगे और आपको इतने घंटे काम करना पड़ेगा, पूरा एग्रीमेंट होता है, आप उस एग्रीमेंट के ऊपर साइन करके आते हैं, उस टाइम आपको ये होता है कि हम किसी तरीके भी दुबई चले जाएं और जाके हम फिर मज़े करेंगे। तो भाई मज़े नहीं होते, काम काम है, चाहे आप पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, दुबई में हो, इंग्लैंड में हो, अमेरिका में हो, यूरोप में हो, किधर भी दुनिया में कहीं भी चले जाओ, आपको काम करना पड़ेगा, आपको काम के बिना कोई भी पे नहीं देगा। ये मत सोचो कि आप दुबई में आ गए तो आप शेख बन गए, शेख आप नहीं बनते, आप एक मुलाजम ही आते हो तो आपको एक नौकर बन के ही काम करना पड़ता है। होता ये है कि पाकिस्तान इंडिया में सिक्योरिटी वाले को चौकीदार बोला जाता है, कोई सिक्योरिटी गार्ड बोलते हैं, तो इधर थोड़ा ऑफिशियली होता है कि सिक्योरिटी गार्ड ऑफिसर बोला जाता है आपको, और इवेंट्स में काम करो तो इवेंट सिक्योरिटी बोला जाता है, फिर क्लब में काम करो तो आपको बाउंसर बुलाया जाता है, थोड़ा सा आपका जो है वो स्टेटस थोड़ा सा इस तरह का हो जाता है कि आप थोड़े ऑफिशियल होते हो, लेकिन काम वही है, आपको काम करना पड़ेगा, काम करोगे तो आपको इसकी पे मिलेगी। जो कंपनी की पॉलिसी है वो आपको जब आप वीज़ा लेते हो उस टाइम जाननी चाहिए, कंपनी की पॉलिसी क्या है, कितने कंपनी के पास बंदे हैं, कितनी कंपनी के पास कॉन्टैक्ट हैं, कितना उसके पास बिजनेस है, कितनी बड़ी कंपनी है, क्या क्या फैसिलिटी देती है, और इसमें अकोमोडेशन कैसी हो सकती है, ड्यूटी कैसी हो सकती है, ड्यूटी आवर कितने हैं, उसमें आपको स्टैंडिंग ड्यूटी कितनी है, सीटिंग कितनी है, या कंपनी के जो रूल और रेगुलेशन है वो किस तरह के हैं,
आपको छुट्टी 2 साल के बाद मिलेगी, साल के बाद मिलेगी, पे कितनी मिलेगी, फूड मिलेगा नहीं मिलेगा, लॉन्ड्री मिलेगी नहीं मिलेगी, ट्रांसपोर्ट मिलेगी नहीं मिलेगी, या आपको जो अकोमोडेशन है जिस और जो रूम है मिलते हैं जहां आपने आप अपनी आरामगाह बनानी होती है, तो वहां आपको कितने बंदे कंपनी उस रूम में डालेगी, तो आपको कितने बंदों के साथ रहना पड़ेगा, खाने का क्या प्रोसीजर है, किस तरह मैनेज करना, तो ये आप आने से पहले जिस एजेंट के थ्रू आते हो या जिस कंपनी के थ्रू आप इधर आते हो उस टाइम ये सवाल पूछने चाहिए कि क्या ये जो कंपनी फैसिलिटी आपको दे रही है आपको मंजूर है या नहीं, या आप इससे एग्री करते हो या नहीं, या आपको ये जो चीज़ें कंपनी देगी आप इससे सेटिस्फाई है भी या नहीं। अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो तो उस टाइम ही आप उनको ना करो, एजेंट के थ्रू हो या आप खुद आ रहे हो तो उस टाइम कंपनी को बोल दो कि हम इस कंपनी में नहीं जाएंगे, हम काम नहीं करेंगे। अगर आप उस कंपनी में आ गए हो, कंपनी से आपका एग्रीमेंट हो गया, आपको कंपनी वीज़ा इशू किया, चाहे वो आपको महंगा सेल किया, एजेंट ने सस्ता किया, या आप उससे कुछ आपको परेशानी है, तो आप आने से पहले सोचो। जब आप कंपनी में आ जाते हो, जब आपको कंपनी वीज़ा भेज देती है, चाहे आप टिकट खुद करवा के हो चाहे कंपनी आपका करवाए, सम टाइम तो ये होता है कंपनी आपको एयरपोर्ट रिसीव नहीं करती, आपको खुद आना पड़ता है, लेकिन मोस्टली कंपनी ऐसी हैं दुबई में, जब आप एयरपोर्ट में आते हो तो कंपनी आपको रिसीव करके आपकी जो अकोमोडेशन है कंपनी की उसमें लेके आती है, आपको बेड वगैरह पूरा पूरा सिस्टम आपको दिया जाता है, जो कंपनी की एज पर पॉलिसी होती है वो उसके मुताबिक वो देते हैं। हो सकता है आपकी जो मैनेजमेंट है कंपनी की उसमें कुछ ऐसे लोग हों वो जो आपको अच्छा ट्रीट ना करें, या आपके साथ बिहेव उनका अच्छा ना हो, या आप उनसे सेटिस्फाई ना हो, वो अलहदा बात है, लेकिन जो कंपनी की पॉलिसी है, जो मैनेजमेंट है, जो हाई मैनेजमेंट होती है मैनेजर लेवल की, तो उसके साथ आप बात कर सकते हो, क्योंकि मेन पॉलिसी तो मैनेजर या ऑनर ही बनाता है कंपनी की, बाकी जो नीचे लोग होते हैं वो तो जस्ट फॉलो करवाते हैं, फॉलो कराने का तरीका उनका डिफरेंट हो सकता है, चाहे उनके साथ आपका बिहेव अच्छा हो या बुरा वो अलहदा बात है, आप कंप्लेन कर सकते हो, लेकिन जो कंपनी की मेन पॉलिसी है, जो कंपनी आपको फैसिलिटी देगी उसके ऊपर आपको गौर करना पड़ेगा और उसके एग्रीमेंट को आपको पढ़ना पड़ेगा। आप उस टाइम तो ऐसे ही साइन करके आ जाते हो कि भाई ठीक है ओके मैं दुबई जा रहा हूँ, बस सब लोगों को दोस्तों को मैं बता दिया मैं दुबई जा रहा हूँ, बहुत खुश हूँ, पैसे दे दिए घर वालों ने दे दिए, या आप खुद लगा के आ गए हो, तो जब वीज़ा लेते हो तो उस टाइम आपको ये पॉलिसी के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि दुबई में जब लोग आते हैं 99% लोग जब दुबई में आ जाते हैं तो आते ही फिर डिसहार्ट हो जाते हैं, आते ही बोलते हैं कि दुबई का ये कंपनी अच्छी नहीं है, इसमें मेरे साथ धोखा हो गया, मैं तो कुछ और सोच के आया था, इन्होंने हमें कुछ और बताया। भाई इस टाइम दुनिया में हर जगह में इंटरनेट है, आपके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, आप खुद को उस कंपनी को सर्च करो, चेक करो, कंपनी की डिटेल के बारे में पता करो कि कंपनी किस तरह की है, कितने इनके पास काम है, किस तरह के प्रोजेक्ट हैं, किस तरह काम करती है, कितने इनके पास लोग हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने फारग बैठे हुए हैं, तो कंपनी की डिटेल आपको पता चल जाएगी। ये अभी अंधेरे वाली बात नहीं है कि आपको पता नहीं चला, पुराने जमाने तो है नहीं, अभी तो आपके पास इंटरनेट है, इंटरनेट की फैसिलिटी हर जगह में है, तो आप कहीं से भी चेक कर सकते हो कि कंपनी की जो पॉलिसी क्या है, कंपनी के रूल क्या है, कंपनी फैसिलिटी क्या देती है, तो ये आपको उस टाइम चेक करना चाहिए। अगर आप नहीं करते तो आपकी मिस्टेक है, अगर आप करते हो तो फिर आके इधर बात नहीं आपको करनी चाहिए, क्योंकि इधर आके फिर लोग आते रहन मारने की कोशिश करते हैं, ये कंपनी मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रही, या पे जो टाइम पे नहीं दे रही, हाँ पे का इशू है आपको पता नहीं था, तो आपके पास लेबर कोर्ट है, आप लेबर कोर्ट में जाके उस मसले को हल करवा सकते हो। अगर आपको कोई और इशू है जो कंपनी के अंदर का इशू है, मसलन कंपनी का जो ऑफिसर है जो आपके साथ डील कर रहा है, कैंपोस या आपका सुपरवाइजर वगैरह या मैनेजर जो ऑपरेशन मैनेजर वगैरह, तो आप हाई जो जनरल मैनेजर से बात कर सकते हो, उसको कंप्लेन कर सकते हो, तो आप उससे बात करो, नहीं तो आपके पास पुलिस है, दुबई पुलिस हर तरह का तावन करती है, तो आपको जो कंपनी की पॉलिसी है उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, इधर आके फिर आपको मसला क्रिएट नहीं करना चाहिए। उसके बाद बात आती है जी आपका जो सीरा है वो किस तरह होएगा। सीरा जो है वो ज्यादातर मसलन 99% जो कंपनियां लेके आती हैं बंदा वही करवाती हैं, उनके पास ये हथियार होता है, वो चाहे वो आपको आते ही एक वीक में आपकी जो उधर एडमिशन करवा दें या उसके बाद करवाएं, ये कंपनी के ऊपर डिपेंड है, कंपनी नहीं करवाएगी तो कंपनी का फाइन आएगा, पुलिस जो है कंपनी को पूछेगी, जब आपको ड्यूटी में खड़ा किया जाएगा कोई भी फाइन आता है तो आपके ऊपर भी मसला बनेगा, लेकिन कंपनी के ऊपर पहले बनेगा क्योंकि कंपनी का वीजा होता है,
तो आपको इसमें परेशानी की कोई जरूरत नहीं है। अब कुछ लोग आते ही डिसाइड हो जाते हैं, कंपनी ने मुझे सिरा नहीं करवाया, मेरा कार्ड नहीं बनवाया, मैंने मेडिकल नहीं करवाया, ये बाइक कंपनी के ऊपर है। बाद दफा ये भी होता है कि कंपनी के जो ऑफिसर होते हैं, मसलन कैंपो सुपरवाइजर या टीम लीडर वगैरह, ये कंपनी की समझे एक इंफॉर्मेशन चैनल होता है। जो जनरल मैनेजर होता है, जो मैनेजर होता है, इन लोगों से आपकी इन्फॉर्मेशन लेता है कि आपका बिहेव किस तरह का है, आप किस तरह कंपनी को ट्रीट कर रहे हो, किस तरह आप कंपनी को किस नजरों से देख रहे हो, क्या आपके ओपिनियन है, किस तरह की बात कर रहे हो, आप कंपनी के लिए अच्छे साबित हो गए या नहीं हो गए। ये जो टाइम पीरियड होता है विद इन वन मंथ एंड टू मंथ, ये आपको सब लोग चेक कर रहे होते हैं, चाहे वो आपके करीब हैं, चाहे आपसे आपके दूर हैं, चाहे वो फ्रेंडली बात कर रहे हैं। 90% लोग आपसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, फिर वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके अपने जो ऑफिसर को देते हैं कि बंदा जो नहीं आया इस कैटेगरी का है, ये काम करेगा नहीं करेगा, कंपनी के लिए अच्छा साबित होगा या नहीं होगा। जब कंपनी को ये पता चलता है कि आप में कुछ इस तरह का इशू है, आप कंपनी के लिए अच्छे नहीं हो सकते, या आप कंपनी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करोगे, या कोई और इस तरह का इशू आप जब भी कंपनी को नजर आएगा, तो कंपनी उस टाइम फिर आपके डॉक्यूमेंट रोक देगी, कंपनी आपके जो डॉक्यूमेंट है सीरा में सबमिट नहीं करवाएगी, आपका सीरा से जो कार्ड है वो बनवाने की कोशिश नहीं करेगी, आपका मेडिकल नहीं होगा, आपका जो एमरस आईडी वो नहीं बनेगा। जब भी कंपनी को पता चलेगा कि बंदा मसला कर रहा है, क्योंकि कंपनी ने इतना पैसा इन्वेस्ट करके आपको लेके इधर आते हैं, तो इसलिए लेके आते हैं कि आप कंपनी के लिए काम करें, ये कंपनी का बिजनेस है, आप कंपनी के साथ काम करने के लिए आते हो, ये दुबई में शेहों की तरह याशी तो नहीं करने के लिए आए। तो जब आप आते हो तो ये चीजें आपको पहले सोचनी चाहिए, जब आप आ गए हो, एग्रीमेंट आपके आपका हो गया उनके साथ, तो फिर ये चीजें अगर आपको अच्छी लगें तो वो भी ठीक है, बुरी लगे तो आपको बर्दाश्त करनी चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। कोई भी चीज दुनिया में इतनी इजी नहीं मिलती, हर बंदे को किसी न किसी जगह में पहुंचने के लिए थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, तो आपको इस तरह की कोई भी हरकत नहीं करनी चाहिए, खुसूसन उस टाइम में जब आपका ये प्रोसीजर चल रहा हो, जब आपका मेडिकल हो रहा हो, जब आपका एमरस आईडी कार्ड बन रहा हो, जब आप सीरा में क्लासें कर रहे हो, आपका सीरा में पूरा सिस्टम चल रहा हो, वो इतना इजी नहीं है, वो भी इसमें भी एक दो वीक लग जाता है। तो ये कंपनी के ऊपर डिपेंड होता है, अगर कंपनी के साथ सम टाइम ये भी होता है कि उनके पास पैसे नहीं होते आपकी जो एडमिशन करवाने के लिए सीरा में, तो हो सकता है कंपनी वैसे ही एक वीक में या दो वीक में रोके या आगे करे इस टाइम को, तो इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये भी नहीं हो सकता कि कंपनी आपको कुछ बुरी नजरों देख रही है या आपको चेक कर रही है। सम टाइम ये भी होता है कंपनी के पास टाइम नहीं है या उनके पास बंदा नहीं है जो एडमिशन आपका करवाए, या पैसों का इशू हो सकता है, व्हाटएवर कोई भी है, आप अपने ध्यान से काम करो। जब आप एयरपोर्ट पे आते हो, कंपनी आपको रिसीव करती है, तो 90% जो कंपनी है उसी टाइम से सैलरी स्टार्ट करती है। कुछ कंपनियां हैं, छोटी कंपनियां, वो आपकी जब आप जाप होती है तो उस टाइम आपको वो पे आपकी स्टार्ट करते हैं, उससे पहले आपकी पे स्टार्ट नहीं करते। ये भी ऐसी भी कंपनियां हैं, तो आपको जब वीजा किसी कंपनी का मिले, ऑफर मिले, किसी भी जेंट से आप ले रहे हो, तो ये चीजें उस टाइम चेक करो कि भाई मेरी जो सैलरी है वो किस टाइम स्टार्ट होगी। मेरी सैलरी एयरपोर्ट से जब मुझे कंपनी का पीआरओ रिसीव करेगा उस टाइम से स्टार्ट है, या मैं जब दुबई पहुंचूंगा उस टाइम से स्टार्ट है, या मेरी कब स्टार्ट है, सीरा के बाद स्टार्ट होगी या सीरा से पहले स्टार्ट होगी। सम टाइम ये भी कंपनियां करती हैं कि वो आपकी जो सैलरी है वो सीरा से पहले बेसिक वो स्टार्ट कर देती है, मतलब 1200 जो सैलरी है, जो 1200 सैलरी है वो स्टार्ट कर देती है। तो सम कंपनियां जो हैं वो बिल्कुल नहीं करती, और सम कंपनियां ऐसी हैं वो आपकी जो फुल सैलरी है वो स्टार्ट कर देती हैं। ये जो चीज़ें हैं ये आपको पहले चेक करनी चाहिए जब आप कंपनी में आते हो, जब वीज़ा आप लेते हो। तो जब आपको वीज़ा मिल जाता है, जब आपको कंपनी इधर लेके आ जाती है, तो फिर आपको गिला करने का कोई चांस नहीं है, आप गिला नहीं कर सकते। गिला करोगे तो आपकी कोई बात नहीं सुनेगा, क्योंकि ये बिजनेस है, तो गवर्नमेंट भी बिजनेसमैन को ही सपोर्ट करती है। तो आपको फिर इधर आके परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर इधर आके बहुत से लोग ऐसे हैं जो आके 30-30, 40-40 साल के होते हैं, तो मैंने अपनी आंखों से देखा वो रोते हुए इधर परेशान हो जाते हैं। फिर सब टाइम ये भी होता है, लोग बोलते हैं कि मैंने तो जिंदगी में घर में काम नहीं किया था, फर्स्ट मेरी जॉब है, या मैंने तो सारी जिंदगी ऐसे ही गुजार दी है, मैं तो इतना मुश्किल टाइम फेस नहीं कर सकता, या मैं स्ट्रगल नहीं कर सकता, या मेरे हाथ तो और हैं कुछ। तो भाई ये चीज़ें जो हैं ये आपको पहले ही सोचनी चाहिए, ये आप पहले जब वीज़ा लेते तो उस टाइम आपको ये चीज़ें जो है उनके ऊपर फोकस करना चाहिए, उनके ऊपर आपको देखना चाहिए कि क्या मेरे लिए एक्सेप्टेबल हैं या नहीं है।
अगर आप एग्रीमेंट करके आते हो तो फिर आपको कंपनी के पॉलिसी के मुताबिक काम करना पड़ेगा। तो कंपनी का कुछ रूल है यूनिफॉर्म के बारे में, कुछ कंपनियां साल में 2 यूनिफॉर्म देती हैं, कुछ 3 देती हैं, कुछ सम टाइम ये भी होता है छोटी कंपनियां जो 1 यूनिफॉर्म में बोलती हैं गुजारा करो। तो ये पॉलिसी जो कंपनी की है सिक्योरिटी के बारे में, उसमें आप कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते, इसमें कोई भी आपकी पुलिस जो है मदद नहीं करेगी, लेबर कोड आपकी मदद नहीं करेगी। हाँ, सैलरी का जो इशू है, जो जेन्युइन है, जो हेल्थ का इशू है, उसके बारे में आपकी जो बात है लेबर कोड सुनेगी, उसमें आप केस दायर कर सकते हो। लेकिन जो ये छोटी बातें हैं, ये छोटी चीजें हैं, ये भी आपके साथ चलती रहेंगी। ये परदेस है, परदेस में फिर ऊंच नीच होती रहती है। हो सकता है कंपनी की पॉलिसी अच्छी हो सकता है मैनेजर को इस चीज का पता ही ना हो कि नीचे क्या चल रहा है, नीचे वाला जो स्टाफ है आपको किस तरह ट्रीट कर रहा है, किस तरह आपके साथ उनका बिहेव है। तो आपके पास राइट है कि आप मैनेजर तक ये बात पहुंचाओ, चाहे आप रिटर्न पहुंचाओ, चाहे आप उससे मुलाकात करके बात करो, ये आपके पास राइट है। तो यूनिफॉर्म भी आपको कंपनी यूनिफॉर्म देगी, शर्ट होएगी, टाई होएगी, पैंट आपकी होएगी, शूज होएंगे। तो ये चीजें हैं। बाकी एक चीज है और भी जो आपके साथ मैं इम्पोर्टेंट शेयर करना चाहता हूँ। कुछ लोगों का इशू होता है कि मैं मुस्लिम हूँ या मैं सिख हूँ या मैं वैसे दाढ़ी रख रहा हूँ, मेरी जो दाढ़ी है मेरे चेहरे पे अच्छी लगती है तो मुझे दाढ़ी रखनी चाहिए, तो मैं नहीं कटवाऊंगा। ये चीजें आपने पहले क्लियर करनी है जब आपको वीजा मिलता है। लेकिन जब आप वीजा लेके आते हो तो ये चीजें कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता। ज्यादातर कंपनियां जो बोलती हैं कि आप शेव करो या क्लीन शेव करो, तो आपको कंपनी के पॉलिसी के मुताबिक चलना पड़ेगा। चाहे आप हाफिज़े कुरान है, चाहे आप अपने रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, दुबई ये चीजें दुबई में एक्सेप्टेबल नहीं है। इधर आपको तो यही बोला जाता है कि आपका जो रिलीजन है, वाट एवर किसी भी रिलीजन से आप तअल्लुक रखते हो, तो आपका रिलीजन आपके साथ है, जो कंपनी की पॉलिसी है उसमें कंपनी जो है कंप्रोमाइज नहीं करेगी, क्योंकि ये कंपनी का बिजनेस है। तो हो सकता है कंपनी आपको किसी होटल में, एयरपोर्ट में, या क्लब में, या इवेंट्स में, या ऑफिस के पास जॉब दे, उनके उनकी लोकेशन उधर हो, वो आपको समझे कि आप उधर के लिए सूटेबल हो, आप काम कर सकते हो, ये डिसाइड कंपनी कर दी है, कंपनी का मैनेजर या कंपनी का सुपरवाइजर, आप डिसाइड नहीं कर सकते। जिधर चाहे आपको कंपनी काम दे सकती है, जिधर चाहे जब चाहे हटा सकती है, ये कंपनी के पास हथियार है, आपके पास कोई हथियार नहीं होते। ये कंपनी की स्वाबदीद है, आप कोई बंदा अच्छा काम कर रहा है, कोई बुरा कर रहा है, उसमें फिर जो बात आएगी वो मैनेजर तक जब बात पहुंचेगी, जो क्लाइंट है उसके बीच में और कंपनी के बीच में बात चलती है, आपके ऊपर इस तरह की बात कोई भी नहीं आएगी। तो आपको ये चीजें उधर जो है कन्फर्म करके आनी चाहिए। आपके जो यूनिफॉर्म है, आपका जो खाना है, आपका जो मेडिकल है, आपकी जो एनुअल छुट्टी होती है 2 साल की, उसमें क्या होगा, कंपनी टिकट देगी आपको आने जाने का, नहीं देगी आपको, 2 महीने की सैलरी मिलेगी, साल 1 महीने की सैलरी मिलेगी, नहीं मिलेगी, ये चीज़ें आप वीज़ा लेने से पहले कंफर्म करो। और उसके बाद जो सीरा का है वो भी कंपनी की ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। सीरा के बारे में जो मैंने आपको सवाल बताए हैं, जो क्वेश्चन हो सकते हैं, किस तरह की ट्रेनिंग है, फिटनेस टेस्ट किस तरह का है, क्लास किस तरह की है, ओरल टेस्ट किस तरह का है, आपका जो रिटर्न टेस्ट होएगा वो किस तरह का है, उसके बारे में मुकम्मल मैंने आपको मालूमात दी है। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपका जो सीरा सेंटर में जो क्वेश्चन आपके होंगे, जो फिटनेस टेस्ट होएगा, जो आपका ओरल टेस्ट होएगा, रिटर्न टेस्ट होएगा, या आपका फर्स्ट एड का जो टेस्ट है उसमें किस तरह के सवाल आएंगे, जो फायर के हैं उसके मतलब कौन से सवाल आएंगे, मसलन आपको तफसील से मैं बताऊंगा कि आपके जो क्वेश्चन है जो सीरा सेंटर में आ सकते हैं। हो सकता है कि वो वीडियो लंबी हो जाए, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि सारे ऑल टू ऑल जो सीरा के बारे में क्वेश्चन है वो आपके साथ एक ही वीडियो में क्लियर करूं, तो आपको ताकि आपको दुश्वारी ना हो, ताकि आप इजीली जबान में समझ सकें कि कौन से क्वेश्चन है, किस तरह क्वेश्चन है, और किस तरह आप उनका आंसर करेंगे। और आपको जब टेस्ट देना पड़ेगा, तो जब आप कंप्यूटर में बैठेंगे तो आपको किस तरह डील किया जाएगा, और किस तरह आप उनका आंसर करेंगे, किस तरह के सवाल हो सकते हैं, और आपको जो कंप्यूटर है वो किस तरह चलाना है या किस तरह यूज़ करना है। आपको चाहिए कि इस दौर में तो हर बंदे के पास मोबाइल है, तो कंप्यूटर तो एक नॉर्मल चीज़ है, आपको चाहिए कि जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में आपको होनी चाहिए। तो फिटनेस टेस्ट के बारे में बात करेंगे, तो उसके बाद फिर आपकी जो ड्यूटी है, किस कैटेगरी की ड्यूटी होगी, किस तरह की आपको ड्यूटी करनी पड़ेगी, ड्यूटी के मतलब जो सवाल हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो
अगर आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई और आपका सवाल हो, तो आप व्हाट्सएप में, कमेंट्स में और ईमेल्स में कर सकते हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, और अगर आप रेगुलर हो तो वीडियो को शेयर और लाइक लाजम करें। तो मुझे दीजिए इजाज़त, आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका टीचर नदीम चट्टा।